जो जिमनी खरीदने जा रहे हैं ना उनको सिर्फ ऑटोमेटिक की तरफ मूव करना चाहिए, मैनुअल में मजा नहीं आएगा। कि ये गाड़ी ले लो और कोई भी 4x4 जो मार्केट में अवेलेबल है उठा लो और एक रास्ता चूज कर लो जो सबसे डिफिकल्ट है, सबसे कम टाइम में गाड़ी करके चली जाएगी। दोस्तों जीवन में गाड़ी लेना सबका सपना होता है और पहली गाड़ी सबके लिए बेहद ही खास होती है, और आज जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं ये किसी ऐसे ही खास बंदे की खास गाड़ी है। ये है मारुति सुजुकी की जिमनी और इस गाड़ी को खरीदा है हमारे एडिटर अमित द्विवेदी ने। तो स्वागत करते हैं अमित द्विवेदी सर का। नमस्ते, सबको नमस्ते, सभी दर्शकों का शुक्रिया क्योंकि आप सबके बदौलत हमने पहली गाड़ी ले ली है। अजय ठीक हो? जी सर। तो आप भली भांति परिचित हैं अमित द्विवेदी सर से और आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस जिमनी को खरीदने का क्या रीजन था जब जिमनी मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उतने सेल्स नंबर नहीं रहे, लोगों को भी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई, पर अमित द्विवेदी एक ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट को ये गाड़ी क्यों पसंद आई? तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि ये गाड़ी क्यों? तो हमेशा अवसर जो है अगर मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, और सबसे अच्छा बंदा वही होता है जो सही समय पर किसी भी अवसर को, मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिले उसका फायदा उठा ले। तो डिस्काउंट आया था जी सर, पहले मुझे चाहिए था 4x4, मेरा बजट उतना ज्यादा था नहीं कि मैं जाके और कहीं पर इन्वेस्ट करूं, बहुत सारी गाड़ी मैं देख रहा था बट मुझे नहीं मिल रहा था कुछ। जब इसका मतलब ये देखा कि भैया 2 लाख रुपए डिस्काउंट मारुति दे रही है तो मुझे लगा कि ये गाड़ी सबसे बढ़िया टाइम में खरीद लिया जाए क्योंकि इसमें मतलब इस कीमत पे 4x4 और कहीं नहीं मिलने वाला है, इस वजह से मैंने इसे चुनी है। तो सर थार भी है, स्कॉर्पियो भी है, ये दो गाड़ियां जहन में नहीं आई आपके? तो मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करता हूँ, मुझे ऑफ रोडिंग करना है, बेसिकली क्या है अगर मुझे कंफर्ट चाहिए तो मैं कोई और गाड़ी तलाशूंगा, थार में मैं कंफर्ट देखता नहीं हूँ और थार मेरे बजट से बाहर जा रही थी, और कोई गाड़ी देखूंगा वो भी बजट से बाहर जाएगी अगर आप 4x4 में देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे वो सारी चीजें मिल रही थी जो मुझे चाहिए था कि इस गाड़ी को लेकर मैं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पर रास्ता नहीं है और आराम से निकल के आपको दूसरे छोर पर मिल जाऊंगा। तो सर ने अभी यहाँ पे बजट की बात करी तो सर से पूछते हैं कि सर कितने की पड़ी आखिरकार आपको डिस्काउंट के बाद भी? तो ये 13,02,000 रुपए के आसपास मुझे ऑन रोड आके मिली है गाजियाबाद में, और अगर वैसे लेते तो कहीं लमसम 15-16 लाख रुपए के आसपास चले। सारे लोगों ने 16.5 लाख भी दिए हैं इस गाड़ी के ऑन रोड में, अलग अलग जगहों पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रदेश से हो क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है रोड टैक्स वाला ना सिस्टम। तो सर कुछ लोग परेशान भी हैं जिन्होंने एकदम फर्स्ट लॉट में जिमनी खरीदी थी, एकदम जो परेशान है उनके लिए मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ इसलिए अपने लिए खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत सही फैसला किया है। और बहुत सारी चीजें अभी बैठेंगे गाड़ी में बताते हैं कि क्यों खरीदी है। तो दोस्तों चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि सर ने जिस गाड़ी पे 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो कितना हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। तो जयदेव के हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर कुछ छूटेगा ना तो कमेंट सेक्शन में लिखते चले लो। जी सर चलिए, चलो सर तुम चलाओगे मैं चलाऊं? सर मैं चलाता हूँ। चलो आज जयदेव को चलाएंगे। तो सर क्या कहना है, सबसे पहले बात करते हैं रोड प्रेजेंस की, कि रोड प्रेजेंस कैसी लगती है आपको इस गाड़ी की? मैंने गाड़ी खरीदा तो लॉन्च हुई काफी वक्त हो गया है, हम तो इसका फर्स्ट ड्राइव मीडियम ड्राइव भी करके वीडियो डाल चुके हैं, देखा होगा तुमने। अब क्या हुआ कि मुझे लगा कि भैया तो लोग भूल गए होंगे इसे, बिलीव करोगे लोग मतलब रास्ते में रोक रोक के पूछ रहे हैं कब ली, कितने के ली, कैसे, मुझे लगा जैसे अभी लॉन्च हुई है 2 दिन पहले। तो ये वाला फील भी मिल रहा है, मतलब कीमत तो कम दी दी साथ में ये वाला जो फील मिल रहा है तो ऐसे लग रहा है कि यार बहुत बढ़िया सौदा किया है मैंने। तो मतलब आपको इसमें वो एसयूवी वाला फील आता है, मतलब एक जो प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते हैं कौन सी गाड़ी है, और ये मतलब रोड की अगर बात करेंगे उस प्रेजेंस की बात, रोड प्रेजेंस की, तो ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली क्योंकि जो लोगों की नजरें होती हैं वो आप पर गड़ी होती है। और वो कमांडिंग पोजीशन जो थार और उसमें मिलती है, तो थार में क्या है कि थार सिर्फ बाहर से अच्छी दिख सकती है, हाँ। मुझे भी अच्छी लगती है थार को, मैंने चलाया है थार को, जिस तरीके से लोगों ने पागलपन दिखाया था वो मोहब्बत बन गई थी, लेकिन कुछ मोहब्बतें जो कारगर ना हो ना, व्यवहारिकता जिसमें ना हो उसे लेके क्या करोगे। अब इसमें परिवार भी बिठा सकता हूँ, उनका सामान भी रख सकता हूँ उस गाड़ी में, अगर बोलते हैं ना कि पीछे वाली सीट पर उन्हें बिठाओ जो आपके दुश्मन होते हैं थार में, तो वो प्रॉब्लम है उसका। 3-डोर थार में बहुत प्रॉब्लम है, 5-डोर का वेट करता, 5-डोर इतनी ज्यादा महंगी हो जाती है, उसमें 2-3 जिमनी निकल आएंगी, मुझे पक्का पता है जिसकी कीमत होने वाली है उसमें 2-3 जिमनी निकल आएंगी। जो करना, जिमनी लिया किस लिए है, हमने जिमनी मस्ती के लिए लिया है, ये खेत में डाल दो तो चली जाती है क्योंकि खेत में चला के लेके आए जहाँ पर कोई ग्रिप नहीं बनता है, ये मैं सोच रहा था 4x4 लगाना पड़ेगा बट इसी में काम करके चली आई, वजन कम है, पावर टू वेट रेशियो अच्छा है, इंजन इसका अच्छा है, तो मुझे लगता है कि जो काम है एडवेंचर वाला वो सब कर जाती है।
तो दोस्तों अभी सर ने यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ओडो पे इसको 550 किलोमीटर तक चला दिया इस गाड़ी को, दो तीन दिन में। तो सर ने अभी 3 दिन में ये गाड़ी 550 किलोमीटर चला दी। सर कहाँ कहाँ लेके गए ऐसा? तो मैं खेत पे लेके चला गया था, मेरा एक दोस्त है उसका फार्म हाउस है तो उस पे था, और अरावली रेंज पे एक जगह मिलती है वहाँ पर ऑफ रोडिंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जैसलमेर में जो डूनस होते हैं लोग जाते हैं गाड़ियाँ चलाते हैं, वैसा एक मिल गया था तो उसमें चला के ऑफ रोडिंग टेस्ट करने गया था कि सच में कैपेबल है या नहीं। तो 4x4 लगाया, 4x4 बस दो जगह लगा। मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये गाड़ी ले लो और कोई भी 4x4 जो मार्केट में अवेलेबल है उठा लो और एक रास्ता चूज कर लो, सबसे डिफिकल्ट है, सबसे कम टाइम में गाड़ी करके चली जाएगी, ये इसकी खासियत है। तो सर अभी परिवार की बात हो रही थी तो परिवार को लेके आप गए थे क्या? हाँ, मेरा परिवार पूरा बैठा हुआ था। तो परिवार के अगर कंफर्ट ढूंढोगे तो कंफर्ट के लिहाज से अच्छा नहीं है यहाँ पर। देखो जो लोग आलसी है ना, आलसी उनको, उनके लिए गाड़ी नहीं बनी है, ये फुर्तीले लोगों के लिए गाड़ी बनी है। जो लोग सुबह जाते हैं एक्सरसाइज भी करना पसंद है, मतलब ये नहीं कि पेट निकाल के घूम रहे हैं, कुछ करना नहीं है जिंदगी में, पैर चलाना ना पड़े उन्हें, क्योंकि लोगों को मजा आता है ना बहुत सारे कि खाते रहो बस निकल, तो उनको अच्छी लगेगी गाड़ी। ये एकदम कंफर्टेबल नहीं है और मैं इसमें कंफर्ट चाहता भी नहीं। जितनी ये हिले डुलेगी, जितना अनकंफर्टेबल बनाएगी, उतनी ज्यादा ये आपके एडवेंचर को कंफर्ट पहुंचाएगी। तो एडवेंचर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप उस आराम की बात करें जिससे मेरा परिवार बैठा, तो ठीक है, बच्चे उस लेवल वजह से और गाड़ी में बैठते हैं सो जाते हैं, तो बच्चों के लिए दूसरी सेकेंड सीट सही है, उनका सामान वगैरह रख लो, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग जर्नी में फैमिली को लेके मैं बहुत दूर करवाने जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा पहाड़ों में लेके जाऊँगा बच्चों को, मैं लेके जाऊँगा तो मैं ड्यून्स में लेके चला जाऊँगा, यहाँ मस्ती करवाना है मुझे वहाँ लेके चला जाऊँगा, लेकिन लंबे जाना होगा तो उनके लिए परिवार के लिए मैं दूसरी गाड़ी चूज कर लूँगा। तो यहाँ पर ये मैं सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी को गाड़ी चाहिए एक ऐसी जो कंफर्टेबल हो तो वो ना खरीदे। अगर किसी को एक गाड़ी चाहिए कि भैया फर्स्ट गाड़ी मैंने पहली बार खरीद रहा है तो मेरे जैसा होना खरीदे। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मैंने इसे ले लिया है मेरी चौथी पांचवी गाड़ी मान लो या सेकंड कार मान लो। अच्छा। घर में खड़ी रहेगी, जब एडवेंचर करने का मन करेगा निकाल लूंगा, और कहीं भी शहर में कहीं भी चला सकते हो आप शहर में घूमते रहो 150 के रेंज में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सताने वाली नहीं है, हाईवे पर आराम से लेके निकल जाएगी, लेकिन आपको वो कंफर्ट नहीं देती है जो और गाड़ियां जिसको आप खरीदते हो, जैसे आप बात कर लो क्रेटा की बात कर लो, तो वो कंफर्ट मतलब इमेज नहीं करेगा, ये सिर्फ एडवेंचर है। तो सर अभी आप परिवार को लेके गए तो सामान भी होगा, तो सामान आ गया था बूट में? बूट बहुत अच्छा है, यही तो खासियत है इसकी, जिसे आप थार में नहीं रख सकते हो पर इसमें रख सकते हो, और यही सबकी सबसे बड़ी खासियत। तो मतलब प्रैक्टिकल बैगेज जैसी लगती है गाड़ी, प्रैक्टिकल तो है, प्रैक्टिकल गाड़ी है जिसमें आप मतलब अगर एडवेंचर भी करना है तो परिवार के साथ एडवेंचर करने जा सकते हो। तो सर अगर इसमें कोई खामी बतानी हो तो खामी क्या बताया जाए, क्योंकि खूबियां तो आपने ऐसे गिना दी। अब मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने अभी नई नई गाड़ी खरीदी है तो एकदम अपनी गाड़ी अपनी अच्छी लगती है सबको। हाँ, खामियां देखो क्या है, मैं शुरू में ऐसे ही जिक्र किया था, खामियां ऐसे बहुत सारी चीज, जैसे आप पानी की बोतल नहीं रख सकते हो। अच्छा, कभी दो ही बोतल आएगी, अब चार बंदे बैठे हैं तो पानी पी के, अब देखो इसमें इतना पानी बचा हो दिक्कत हो जाएगी ना, तो यूटिलिटी स्पेस नहीं है, यूटिलिटी स्पेस नहीं है सही से, और ये स्कोप है आपके पास, ये गाड़ी क्या है लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं ना, तो स्कोप है आपके पास, जो कमियां है वही इसका स्कोप है, आप उसे दूर करते रहो और ये गाड़ी आप उतनी खूबसूरत बना लोगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ कि पानी की बोतल कहाँ रख सकते हैं, यूटिलिटी स्पेसेस और कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने इसे खरीदा तो मैंने जेटा ऑटोमेटिक लिया हुआ है। अच्छा, ये वेरिएंट जो है आपका बेस वेरिएंट है, तो मैंने इसमें अलॉय डलवा दिया था क्योंकि मुझे अलॉय चाहिए थे वाले। और क्या चेंज कराया अब मुझे, और एक फॉग लैंप लगवा दिया था, ये दो चीज मुझे जरूरत थी उस टाइम, उस टाइम डलवा दिया। लेकिन अभी इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें करने से मैं एडी डलवाने वाला हूँ, ऑल टेरेन टायर इसमें करवाऊंगा, छोटे छोटे और कस्टमाइजेशन ऐसे करवाऊंगा जो थोड़े से अलग हों और रूल्स को अवॉइड न करते हों। तो बहुत सारी चीजें मुझे इस गाड़ी में करनी है और मैं भी अपनी रचनात्मकता को देखूं, जो मेरी क्रिएटिविटी है वो किस लेवल की हो सकती है गाड़ी में, वो भी इससे मैं टेस्ट करूंगा। तो सर क्या विचार है आगे, कहाँ लेके जाएंगे अभी इसको? अभी मुझे इसे बर्फ पे लेके जाना है और जैसलमेर ड्यून्स करवाना है, जैसलमेर वगैरह लेके जाएंगे। हाँ, पूरा करके आना है। तो सर अभी हाईवे पे रिस्पॉन्स कैसा रहा आपका इसके? देखो ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, 100-120 तक आराम से चली जाती है और ये भागती बहुत अच्छी है। मतलब आप सबसे अच्छी बात इसकी केबिन इंसुलेशन बहुत लाजवाब है, तो आपने पर कहीं नहीं सजाने वाली। अभी जैसे यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक खरीदी है तो ऑटोमेटिक लेने का क्या कारण ये था? मतलब जो खरीदने जा रहे हैं जिमनी ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ही बिकती होगी, जो जिमनी खरीदने जा रहे हैं ना उनको सिर्फ ऑटोमेटिक की तरफ मूव करना चाहिए, मैनुअल में मजा नहीं आएगा। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। तो जो बोलते ना मुझे मैनुअली गाड़ी, मतलब बहुत सारे लोग बोलते गाड़ी जो है मैनुअली अच्छी होती है, तो उनको बता दूंगा जिमनी मस्ती के लिए खरीद रहे हो ना तो आप जिमनी ऑटोमेटिक में खरीदो, ये मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ और इसमें कुछ भी नहीं, मतलब ये बोलोगे कि मैंने खरीद, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैनुअल जो चला रहे हैं इस बात पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि उनका क्या रिस्पांस है।
क्योंकि मुझे पता है वो इतने खुश नहीं होंगे जितने खुश ऑटोमेटिक वाले होंगे। और सर सस्पेंशन के बारे में क्या कहना है इसका? सस्पेंशन ट्रैवल बहुत अच्छा है और खास करके इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा स्टिप मिलता है और ना बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट मिलता है। तो क्या है कि आप कहीं से भी निकलोगे तो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे ना ऐसे शॉक करती पता ही नहीं चलता, मतलब पीछे सीट पर ही नहीं पता चलता कि गाड़ी कहीं से निकली है और तुम खुद फील कर रहे हो। वो तो मैं फील कर रहा हूँ सर। मैंने भी जब पहली बार जिमनी चलाई थी तो मैं अपने जब नेटिव प्लेस पे लेके गया था तो वहाँ मैंने खेतों में लेके गया, मैं वहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है तो वहाँ पे मैंने फील किया कि इसका जो सस्पेंशन है, जो इसका हार्ड एक्सेल कॉइल सस्पेंशन है, वो बहुत शानदार काम करता है और मतलब मजा आता है इस गाड़ी के। मैं क्या है, गौरव यादव का जो फार्म है वो 11 एकड़ का है। हाँ। उसके चारों तरफ उन्होंने एक ऑफ रोड वाला गाड़ी रखा हुआ है, वो बोलते हैं उसको अपना घुमा के लेके आते हैं गाड़ी, पूरा खेत चेक करते हैं उसे, ट्रैक्टर पे जाते हैं। वहां से इसको लेके गया ना और मैंने 4x4 भी नहीं लगाया था जी। तो मुझे लगा कि जिनके पास खेती बाड़ी भी है ना वो भी रख सकते हैं कि भाई अपना खेती बाड़ी का भी देख लें क्या हो रहा है, कोई जानवर नहीं आ रहा चीज तो चेक करके आ सकते हैं, और ये अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो जिमनी वहां भी जाती है जहां सड़कें नहीं है, जहां सड़कें नहीं वहां आराम से चली जाती है। और वही करना है, बहुत सारे रास्ते एक्सप्लोर करने हैं, मंजिलें एक्सप्लोर करनी है जहां पर रास्ते नहीं जाते। तो सर कोई एक फीचर जो आपको बहुत इरिटेट करता है इसमें या बहुत ज्यादा कोई पसंद हो, दोनों के बारे में बता दो। मुझे बहुत हंसी आती है, मारुति जो सीट बेल्ट, देखो पीछे सारी सीट बेल्ट लगी हुई है। हाँ। मारुति ने क्या किया हुआ है कि सब लोग क्या करते हैं सेंसर लगाते हैं ना। हाँ। कि अपने आप कोई जब बैठेगा तो तभी वो चीची करना शुरू करेगा, लेकिन उसमें पैसे लगते, तुम्हारे तो पैसा बचा लिया। और ये आप सीट बेल्ट खुला के रखो, वहाँ पे लगा के रखो, नहीं तो गाड़ी में आवाज आती रहेगी। तो कोई नहीं भी बैठा है ना तो सीट बेल्ट लगाना है, ये बहुत इरिटेट करता है। मुझे लगता है अरे थोड़े पैसे लगा दिए होते, सेंसर ही तो लगाना, बट ये मजेदार भी लगता है। हो सकता है मारुति ने कुछ जो सोच के दिया है, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ इसीलिए लोग खरीदते हैं क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होती है, बट ऐसी जगह से कट किया ना वो मजा नहीं आया मुझे देख के। अच्छा सर, मारुति की गाड़ी से याद आया कि मारुति की गाड़ी आती है जब भी दिमाग में तो माइलेज के बारे में नंबर आता है, तो इस गाड़ी से आपको क्या माइलेज मिला वैसे? तो इस गाड़ी का जो माइलेज, मैंने एक माइलेज टेस्ट किया है, मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो में बताऊँ। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। मैंने एक जगह पे दिया हुआ है अपने चैनल पर, ठीक है, लोग उसे देख के आए, लेकिन माइलेज बढ़िया है। अच्छा, मतलब बढ़िया मिला है माइलेज, बढ़िया मिला है। हाँ, माइलेज अच्छा मिला है और वो हमारे चैनल पर जाए लोग और उसे देख के आए। तो दोस्तों ये थे हमारे एडिटर अमित द्विवेदी और आपने जाना इनका एक्सपीरियंस इनकी नई मारुति सुजुकी जिमनी के साथ। अब इनको देख के तो लगता है कि ये जिमनी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आप भी जिमनी ओन करते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर नहीं ओन करते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे और कस्टमर रिव्यूज़ मिस ना कर सकें। और अगर आपके पास जिमनी है जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप चाहते हैं NBT ऑटो पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में नहीं, हमारा NBT ऑटो करके एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आके एक टेक्स्ट कर दें, जयदेव मलिक आप तक पहुंच जाएंगे और आपका एक्सपीरियंस चैनल पर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में।